नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के दिन मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्लास ट्वेल्थ का यूनिट सेवन से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे, गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल बॉडीज से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यूनिट सेवन में मैंने पहले भी आपको बताया था प्रोफेशनल बॉडीज़ एंड देयर एक्टिविटीज़, इससे संबंधित मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था अपने ही यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो, ओफ्टा, पाटा, एस्टा, टाई, आईटो, ATAOI, ADTOI, ये सभी संस्था है, सभी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे संबंधित जानकारियों को हमने साझा किया है। और जैसा कि आप उसके ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सिंपल थे, तो इसलिए मैं कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे इन टॉपिक्स को भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हो, रूल्स फॉर सेटिंग अप TA and TO अप्रूवल प्रोसीजर्स, ये क्या है, ये मतलब ये इसमें ये बताया गया है कि जो सेटअप होता है ट्रैवल एजेंसी का, जिसमें कि टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट वर्क करते हैं, TO का मतलब है टूर ऑपरेटर, TA का मतलब है ट्रैवल एजेंट, ये याद रखना। तो जो अप्रूवल प्रोसीजर है, जो ट्रैवल एजेंसी में प्रोसीजर है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से जो रेट्स लगाए जा रहे हैं, होटल के जो रेट्स से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, उनसे कॉस्टिंग मांगी जा रही है होटल वालों से, और होटल वाले जो लोग कॉस्टिंग देते हैं, उस कॉस्टिंग को लेकर उस पैकेज को बेचने की जो प्रक्रिया होती है, वो जो प्रक्रिया होती है उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल एजेंसी के अंदर जो कार्य कर रहे हैं टूर ऑपरेटर, तो टूर ऑपरेटर्स रेट्स को सर्च करते हैं, प्राइस को सर्च करते हैं मार्केट में, कि एक्चुअल मार्केट रेट कितना है उस प्रोडक्ट का। अगर किसी पर्यटन स्थल पर घूमना है तो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या है उस पर वो लोग डिसाइड करते हैं, उसकी कॉस्टिंग लगाते हैं, फिर वो उसको पोर्टल पे अपने अपने वेबसाइट पे उसको शो करते हैं। तो वो कार्य किसका होता है, वो कार्य होता है ट्रैवल एजेंट का नहीं होता है, वो होता है टूर ऑपरेटर का, TO, टूर ऑपरेटर। एक्चुअल रेट पता होता है उसको, B2B रेट, एक्चुअल पता रहता है रेट, और उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो साझा करता है ट्रैवल एजेंट से, ट्रैवल एजेंट पैकेज, टूर पैकेज को बेचता है, उसको एक्चुअल और रियलिटी भी पता रहती है, लेकिन वो उन चीज़ों को अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए ही उसको रखा गया है ट्रैवल एजेंसी में, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बना के नेट टू नेट रेट जितना है उससे ज़्यादा महंगे दामों पर पैकेज को सेल करता है, कस्टमर्स को सेल करता है, जिससे कि उनको मुनाफा होता है, कि उनकी कंपनी को मुनाफा होता है, तो यही उनके उद्देश्य हैं। तो इसलिए इन दोनों का अप्रूवल प्रोसीजर जो होता है वो चीज़ को दर्शाया गया है। इसके बाद बताया गया है डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज ऑफ ट्रैवल एजेंट बिजनेस, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारी स्कीम्स हैं, बहुत प्रकार की सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स लोग हैं, वर्क कर रहे हैं, कई कंपनीज हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट संबंधी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उनको वो लोग सर्च करते हैं, और गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनके अंतर्गत ही ये लोग कार्य करते हैं। तो इनका ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनकी कंपनी कोई भी ट्रैवल एजेंसी है तो उसमें इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जो चीज़ें आपको पढ़ानी है। थर्ड वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, आप चेक कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं यूनिट वाइज, अब कोई नहीं, इस यूनिट में हम देख लेते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म है फर्स्ट में पॉइंट जो है। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म आपको पता होगा कि मैंने आपको क्लास 9th में भी पढ़ा रखा है और क्लास 11th में भी टॉपिक आया था कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स क्या होता है, वो जो अवयव हैं, कॉम्पोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं अवयव, यानी वो जो डिफरेंट डिफरेंट सुविधाएँ हैं उनके पार्ट्स जो हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। उन्हीं चीज़ों, उन भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाओं को मिलाकर ही टूर पैकेज का निर्माण होता है, ये आपको पता है। तो टूर पैकेज का निर्माण कौन कौन सी सुविधाओं को मिलाकर होता है, यहाँ लिखा है एग्जांपल में देख सकते हो, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, अट्रैक्शन, एक्टिविटीज़, मार्केटिंग, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो ये जितनी प्रकार की जो सुख सुविधाएँ हैं जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा कस्टमर्स को दी जा रही हैं, वो सारी सुविधाएं कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म में आते हैं। और स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसा कि लिखा है भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं उनको बेस्ड, इन पर ये टूरिज्म इंडस्ट्री बेस्ड है टोटली। भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं, ट्रैवल एंड रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो हैं,
ये सभी इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं, एक दूसरे से मिले जुले ही पार्ट्स हैं। और इसके बाद लिखा है, मैनी बिजनेस स्पैन इन मोर देन वन सेक्टर एंड हैज़ इम्पैक्ट इन मोर देन वन पार्ट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। इनका कोई एक सेक्टर नहीं है, इनका बहुत ही वास्ट सेक्टर है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वाले लाइन में जब स्टार्टिंग में जब मैंने यूनिट पढ़ाया था क्लास ट्वेल्थ का इसी क्लास में, तो आपको पता होगा कि इतना वास्ट इसका ऑर्गेनाइजेशन इतनी वास्ट है कि हर सेक्टर में इसका नाम आ रहा है, टूरिज्म टूरिज्म हर जगह नाम आ रहा है। अब ट्रैवल एजेंसी में एविएशन इंडस्ट्री भी आ जा रही है, पूरी की पूरी एविएशन इंडस्ट्री आ रही है, उन लोगों को मुनाफा हो रहा है एविएशन इंडस्ट्रीज़ को। पूरे होटल इंडस्ट्री है, उनको मुनाफा हो रहा है इससे, है ना, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उनको मुनाफा हो रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैवल एजेंसी भी इससे मुनाफा कमा रही हैं, और इसके साथ ही साथ बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ तक कमाई कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, क्योंकि उससे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है किसी चीज़ की, जैसे डिमांड सप्लाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस सेक्टर में इजाफा होते जाएगा। वहाँ पे सेक्टर में कई इम्प्लॉयज़ भी रखे जाएंगे, कर्मचारी भी रखे जाएंगे, और बिजनेस सेक्टर बढ़ते जाएगा उसी स्पेसिफिक जो मतलब इंडस्ट्री है उस पर। इन चीज़ों की बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मायने रखती है। तो बाकी अगर आप इस पर और भी डिटेल में चाहो तो फिर वो मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बताया है, वो आप मेरा वीडियो देख लेना तो वो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म है क्या। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पे आते हैं आपको। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी कि प्लेलिस्ट पे आप जाओ, उसमें सभी मतलब आपके सेक्शन वाइज सॉरी क्लास वाइज मैंने आपको सारी डिटेल्स उसमें वीडियो शेयर किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास ट्वेल्थ की, क्लास नाइन्थ की, क्लास अलेवेंथ की एंड क्लास टेंथ की, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अब ये देख सकते हैं, दोज सेक्टर विच इनेबल द टूरिस्ट टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम द डेस्टिनेशन, वो सेक्टर जो कि इनेबल है टूरिस्ट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैवल रिलेटेड डेस्टिनेशंस पर लोगों को घुमाते हैं, उसमें ट्रैवल एजेंट्स हैं, एयरलाइंस हैं, बस कंपनी हैं, टूर ऑपरेटर हैं, कार रेंटल कंपनीज हैं, वो अलग अलग प्रकार के पर्यटन स्थलों पर घुमा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कॉम्पोनेंट्स होगा टूरिज़्म प्रोडक्ट से रिलेटेड, है ना, ये कॉम्पोनेंट्स हैं जो सुविधाएँ हैं। जैसा कि मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में ही बताया था आपको कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो सुविधाएँ हैं उनको मिलाकर ही पर्यटन संबंधी सेवाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप एग्जांपल में, देखो ये देखो ट्रैवल एजेंट लिखा है, ट्रैवल एजेंट सुविधा देने वाला है, सर्विसेज से संबंधित जानकारी देने वाला है ट्रैवल एजेंट, कस्टमर को हर प्रकार के डेस्टिनेशन पे, केरला, गोवा, अंडमान, कश्मीर, कहीं भी पर्यटन स्थलों पर घुमा रहे हैं तो उससे संबंधित जानकारी कौन देता है, वो ट्रैवल एजेंट ही है, वही देता है, वही बताता है कि कितनी टोटल पैकेज कॉस्ट कितनी लगेगी, कहाँ कहाँ घुमाएंगे, पहले दिन कहाँ घुमाएंगे, दूसरे दिन कहाँ घुमाएंगे, कौन सी फ्लाइट रहेगी, कितनी टाइमिंग रहेगी, कहाँ से पिकअप उनको करेंगे, कौन से होटल में उनको ड्रॉप करेंगे, किस होटल में उनका नाइट स्टे है, कौन से हाउस बोट में उनका नाइट स्टे है, सारी जानकारी देगा कौन, देगा ट्रैवल एजेंट देगा। तो ये क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ टूरिज़्म है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एयरलाइंस रिलेटेड फैसिलिटी दे रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, तो वो भी आपका कॉम्पोनेंट्स कहलाएगा। बस कंपनीज़ के थ्रू सर्विसेज सेवाएं दी जा रही हैं, अब ग्रुप हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ, 100 to 200 कस्टमर्स हैं, 100 to 200 टूरिस्ट्स हैं, वो सभी एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको बस दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि शिमला मनाली में ट्रैवल करते हैं लोग, गोवा में ट्रैवल करते हैं, कहीं भी पर्यटन स्थलों पे अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, तो वहाँ पे ग्रुप होता है, वो ग्रुप लोगों को घुमाने के लिए बस कंपनी से लिंक होना आवश्यक है, तो ये भी कॉम्पोनेंट्स है। टूर ऑपरेटर से भी वो भी सुविधाएं दे रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स का होना भी आवश्यक है, और कार रेंटल कंपनीज़ का होना भी आवश्यक है, उनसे भी रेट्स से रिलेटेड जानकारी लेकर वो भी सर्विसेज सेवाएं दे रहे हैं टूरिस्ट लोगों को, तो इन सभी लोगों का होना आवश्यक है, इसलिए ये कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज़्म के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दोज सेक्टर विच आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एट द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पर वो सेक्टर जो इस प्रोडक्ट के पार्ट हैं वो कौन से प्रोडक्ट हैं, एग्जांपल देख लो, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, अट्रैक्शन फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, शॉपिंग आ जाएगा, खाना वाना खाते हो पर्यटन स्थल पर,
शॉपिंग करते हो और क्या करते हो, और थोड़ा अपना खुद से भी सोचोगे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सभी कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अट्रैक्शन यानी पर्यटन स्थल पर घूम रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों पर जा रहे हो, घूम रहे हो, वो भी आपके कॉम्पोनेंट्स कहला देंगे, ठीक है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन होता है होटल्स, किसी होटल में कोई रुक रहा है, कभी कहीं थोड़ा लॉज में रुक रहे हैं, हॉस्टल्स में रुक रहे हैं, कितनी ढेर सारे टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन भी मैंने पढ़ाया है वो क्लास 11th में, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो वो सभी एकोमोडेशन है, रहने की व्यवस्था। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग और उनके बजट के अकॉर्डिंग वो जो भी पर रहने की व्यवस्था वाले जगहों को चूज़ करते हैं उन्हें वो सुविधाएँ दी जाती हैं। ये वाला पॉइंट जो है बच्चों, आप देख सकते हो ह्यूमन कंपोनेंट का होना आवश्यक है टूरिज्म इंडस्ट्री में। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई पर्सन, टूरिस्ट को अगर सारी चीज़ें पता होती पहले से तो वो खुद ही नहीं घूम लेता, है ना, ऑब्वियस ही बात है। अगर टूरिस्ट को सारी चीज़ें पहले से पता हैं और थोड़ी फैसिलिटीज़ उसको चाहिए, उसको वो हर प्रकार की सुख सुविधाएँ चाहिए, तो वो पहले से जो उन व्यक्ति को बात करेगा जिनको पहले से वो वहीं के लोकलाइड हो, जिनको उनकी जानकारी हो, उनको पता हो कि होटल किस लोकेशन पे है, कहाँ पे स्थित है, उनको पता हो कि ट्रांसपोर्टर जो है वो गाड़ी वाला थोड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए, जो ड्राइवर है उसको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी क्या है? ये लेबर फोर्स है जी। गाइड क्या है? गाइड उन चीज़ों को भी जानकारी दे रहा है, उन पर्यटन स्थलों से संबंधित जानकारी दे रहा है। वो धूप पसीने बहा रहा है, धूप में पसीने बहा रहा है, गर्मी में परेशान हो रहा है, इतने तरह के उनको टेंशन्स होती हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई फ्लाइट डिले हो गई, लोग खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पे, है ना, तो वो सब क्या है, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अपनी सर्विस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं जी। फिर वो जो एक कोई ऐसा पर्सन होता है, ड्राइवर होता है, वो उनके लगेज लेके जाता है अपने पार्किंग एरिया में, गाड़ी में रखता है, जो वो भी लेबर फोर्स है ना जी। तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं जी? ये लोग सुविधाएँ दे रहे हैं टूरिस्ट लोगों को, वो ह्यूमन कंपोनेंट है, ठीक है, लेबर फोर्स है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत प्रकार के सेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, पब्लिक सेक्टर हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो कि ट्रैवल रिलेटेड फैसिलिटीज़ दे रही हैं। टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट होगा, जितना ज़्यादा इस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, प्रयत्न किया जाएगा, उतना ज़्यादा ही मुनाफा होना है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी भारत सरकार को, और साथ ही साथ जितनी भी एजेंसीज वर्क कर रही हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज वर्क कर रही हैं, जितने टूरिस्ट लोग घूम रहे हैं, उससे सभी को फ़ायदा हो रहा है। ये बिज़नेस बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे हमारे भारत सरकार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए कई प्रकार की संस्थाएं बनाई गई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, उससे संबंधित भी जानकारी मैंने आपको पहले वाले सेशन में दी है क्लास 12th में। जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित भी जानकारी प्राप्त कर लें कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफिस का क्या कार्य होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब रोल है, वो यही है कि टूरिज़्म सेक्टर को प्रमोट करना है, उसको ग्रोथ करने के लिए वो विकास कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पर्यटन स्थलों को संरक्षित करने का पूरा कार्य कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको भी हैंडल किया जाए, उसको सॉल्यूशन निकाला जाए। ट्रैवल एजेंट की जो प्रॉब्लम है, टूर ऑपरेटर की जो प्रॉब्लम है, ग्राउंड ऑपरेटर्स की जो प्रॉब्लम है, उनकी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम है, होटल में जो गेस्ट स्टे करते हैं उसमें बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं, या एयरपोर्ट पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए कई प्रकार के भिन्न भिन्न विभाग बनाए गए हैं, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री के एसोसिएशंस के थ्रू उनका सलाह मशवरा करके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि अगर गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक सेक्टर है, तो उसमें इन चीज़ों को सॉल्यूशन निकाल कर उस पर कार्य करना है। इनका मुख्य उद्देश्य यही है और वो इस पॉइंट में यही बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए लिखा है, इट इज़ दी फोर्थ सेगमेंट दैट वी विल डिस्कस हियर। अब ये चौथा सेगमेंट है, फोर्थ सेगमेंट, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत प्रकार की कंट्रीज़ हैं, मैनी कंट्रीज़ विद एन एस्टैब्लिश्ड और सिग्निफिकेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व में ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री का बहुत ही
बड़ा ही स्कोप है और बहुत ही ज़्यादा इसका मार्जिनल जो होता है बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने वाला ये सोर्स है। तो इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड इस पर ध्यान दिया जा रहा है, दुबई में ध्यान दिया जा रहा है ना, और अमेरिका में देखा जा रहा है, लंदन में देखा जा रहा है, जापान में, चाइना में, हर जगह, हर पर्यटन स्थल जहाँ जहाँ टूरिस्ट घूम रहे हैं, जर्मनी में, यूरोपीय देशों में, इजिप्ट में, उससे ये इससे क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था सुधर रही है वहाँ की, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, लिविंग लाइफस्टाइल है, उस पर विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए सभी कंट्री ट्रेवल एंड टूरिज़म पे आश्रित हो चुकी है। इसके बाद लिखा है और दोज हु विश टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाई प्रमोटिंग टूरिज़म फर्दर, प्रमोट करना है टूरिज़्म को जिससे कि उनकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो। डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, ये सब कैसे बढ़ गए, इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा कैसे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट घूम रहे हैं, पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा गया है और ज़्यादा डिमांड हाई हो गई है उन पर्यटन स्थलों की। बहुत ही लाखों अरबों की संख्या में पर्यटक जा रहे हैं उन पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए। तो इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? इसका फ़ायदा अमेरिका को मिल रहा है, इसका फ़ायदा यूरोपीय देशों में जब लोग जा रहे हैं, लोग पेरिस घूमने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट लोग जब पेरिस घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, वहाँ की नेशनल इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था भी सुधर रही है, इनकम भी बढ़ रही है, बिजनेस भी जनरेट हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये एक प्रकार से विकास को दर्शा रहा है, किसी कंट्री के विकास को दर्शा रहा है। तो इसीलिए टूरिज़्म पर ज़्यादा ध्यान रहता है हमारी भारत सरकार का भी, और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इन चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके बाद लिखा है आर लाइकली टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और अ पब्लिक बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। अब इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में कहा था कि गवर्नमेंट ने में भी कई प्रकार के विभाग बनाए गए हैं, जो कि आपको पता है एसटीडीसी या स्टेट टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, पर्यटन मंत्रालय है, वहाँ पे पर्यटन मंत्री बैठ रहे हैं, उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है, पूरी भारत में जितने भी पर्यटन संबंधी पर्यटन स्थल हैं, जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने ढेर सारे लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं, तो वो कई प्रकार के टूरिज़्म कर रहे हैं, इको टूरिज़्म कर रहे हैं और बहुत प्रकार के टूरिज़्म हैं। तो वो जब टूरिज़्म संबंधी गतिविधियां कर रहे हैं तो उनसे संबंधित गवर्नमेंट ने कई विभाग बनाए हुए हैं और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की मदद भी ली जा रही है इन चीज़ों में, ताकि उस पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सके, है ना। इसके बाद लिखा है दीज बॉडीज़ आर नोन एज NTO। NTO का मतलब है नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ना पिछली बारी पेपर में आया था NTO का फुल फॉर्म नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। तो NTO बनाया ही इसलिए गया है कि जो भी पर्यटन संबंधी गतिविधियां हो रही हैं उस पर ध्यान दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँ, पर्यटन स्थलों की डिमांड हाई हो, नेशनल इनकम ग्रोथ हो और विकास हो, भारत का विकास हो, है ना, भारत के पर्यटन स्थलों का विकास हो, ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट लोग हमारे भारत में आएं, जिससे कि हमारे भारत में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं, जैसे कि होटल ताज हो गया, हयात के कई बड़े बड़े ब्रांड्स आए हैं, मैरियट होटल्स के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आए हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ में देख लो तो डिस्टेंट फ्रंटियर्स, क्योनी डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, मेक माई ट्रिप भी बहुत ही अच्छा सेटअप उन्होंने बना रखा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सभी इन प्रकार के NTO यानी नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पर्यटन व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत प्रकार की एजेंसीज़ को मुनाफा हो रहा है इस प्रकार के कार्य को, गतिविधियों को करने की मदद से। तो संगठन बनाए गए हैं, इन संगठनों की मदद से पर्यटन को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अ टिपिकल NTO विल हैव 4 मेन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये NTO कार्य क्या करती है, इनकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं,
इनमें जो भी ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं, ये चार पॉइंट्स को यहाँ पे दर्शाया गया है, देख सकते हो। सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट है मार्केटिंग। सबसे पहला पॉइंट जो है ये है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग होगी तभी उन किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू अगर कोई कार्य कर रहा है तो उनके रेट्स के बारे में पता चलेगा, वो बी टू बी रेट हैं या बी टू सी रेट हैं, किस प्रकार से उस पर कार्य हो रहा है, तो उस पर ये लोग ध्यान दे सकेंगे। ये सभी मार्केटिंग में आ रहा है, ठीक है। मार्केटिंग भी होनी आवश्यक है। अब रिसर्च देखेंगे, रिसर्च एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। तो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्लानिंग की जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, मार्केट को जानने से पहले बहुत प्रकार की चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। जो सीईओज़ होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो सभी रिसर्च करवाते हैं किसी भी एजेंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, किसी पर्यटन स्थल पर घुमा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सपोज़ करो कि अगर आप की कोई ट्रैवल एजेंसी है और गोवा में आप पर्यटन कराना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका एक बढ़िया एक वेबसाइट बनेगा। उस वेबसाइट पे कैसे कैसे प्रोसेस, कहाँ कहाँ घुमाने का आपका उद्देश्य है, गोवा में कौन कौन से पर्यटन स्थल घुमा रहे हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियों के रेट्स पता करेंगे कि वॉल्वो बसेस के क्या रेट हैं, या कोई कार है एसी नॉन एसी कार, उसके क्या प्राइस रेंज होंगे। तो ये सभी रिसर्च है ना, उस एक्चुअल कॉस्ट कितना लग रहा है घुमाने के लिए गोवा में, और आप कितना चार्ज कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग है जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के द्वारा। कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि जो बड़ा, मतलब जो मैनेजर्स लेवल के होते हैं, जो एचओडीज़ होते हैं, हेड ऑफ़ द डायरेक्टर्स होते हैं, उन लोगों की मीटिंग होती है, तो वो लोग कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, कॉर्पोरेट प्लानिंग उन्हें कह रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक अच्छे तरह से मार्केट रिसर्च पर निर्भर करता है। जितना अच्छा मार्केटिंग रिसर्च होगा उतना अच्छा आपका पैकेज बिकेगा, उतना अच्छा मार्केट में ट्रैवल एजेंसी वाले उन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए उस पर वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो उनकी एक अलग से टीम होती है ट्रैवल एजेंसी में जो मार्केटिंग रिसर्च करती है। तो ये कॉर्पोरेट वाले डिपार्टमेंट में ही इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और वो लोग जो भी रेट मेंशन करते हैं अपने वेबसाइट पर, उसी को सेल्स एजेंट जो होते हैं ट्रैवल एजेंसी में बैठते हैं, उसी को बेचते हैं। जो रेट उन्होंने लिख दिया कि फाइव नाइट सिक्स डेज़ का जो टूर पैकेज है, सिंगापुर का पैकेज है, अगर घुमा रहे हैं अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सिंगापुर में, किसी होटल में रोक रहे हैं, और उसका कॉस्ट कितना लगेगा, तो वो सारी चीज़ें वो प्लानिंग और रिसर्च जो कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं जो टूर ऑपरेटर है उस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उस पैकेज को जब रेट निकल गया, नेट टू नेट रेट, उस रेट में कितना एड ऑन करेंगे कमीशन करके, वो डिपेंड करता है ट्रैवल एजेंट पे कि कितने बेचेगा उस पैकेज को, ठीक है। तो प्लानिंग वाले जो स्ट्रेटजी होता है, ये कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेक्शन जो होता है ट्रैवल एजेंसी का, वो सभी लोग इन चीज़ों को डील करते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट रिसर्च भी हो गया, ये लोग डिसाइड भी कर लिए, पॉलिसी बना लिए, स्ट्रैटजी बना ली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो पहला वाला मार्केटिंग था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैसेज बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर बाद रिसर्च एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है, रिसर्च करते हैं, कॉर्पोरेट डिसीजंस लेते हैं, बहुत बड़े सेमिनार होते हैं, जैसे कि आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे कि एक डायरेक्टर रहता है सामने बैठ रहता है, उनके ढेर सारे एम्प्लॉयज़ एक साथ बैठ रहते हैं, है ना। या तो कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड मीटिंग होती है, तो सभी मैनेजर्स लोग एक साथ बैठकर अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी एक दूसरे से साझा करते हैं, उनको रेट्स बताते हैं, उनको पता करते हैं कि एक्सेल शीट बनवाते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई किस किधर का कौन से होटल का क्या क्या रेट है ना। तो उस पर वो लोग रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी कंपनी में जाओगे तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ऑब्वियस है, ठीक है, तो होता ही है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, ये तो आपको पता होगा। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है पर्यटन स्थलों से संबंधित चीज़ों पर, किस प्रकार से इस पर ध्यान दिया जाए, तो ये ब्रैकेट में देखोगे आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या वर्कआउट करते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले। लुकिंग एट वेज टू डेवलप टूरिज्म फर्दर थ्रू कस्टमर केयर एंड क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे कि कोई भी कस्टमर, कोई भी टूरिस्ट घूम रहा है पर्यटन स्थल पर, एक्चुअल में घूम के आ चुका है ना, उसका फीडबैक लिया जा रहा है, तो वो एक्चुअल में बताएगा कि क्या क्या खामियां थी टूर करते वक्त, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, है ना, उसमें ट्रैवल एजेंसी को चेंज करना चाहिए चीज़ों को।
या कस्टमर केयर के द्वारा, ये सभी चीज़ें डेवलपमेंट संबंधित। कस्टमर केयर क्या विभाग क्या कार्य कर रहा है? कस्टमर केयर का कार्य ये है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, सुविधाएं, उससे संबंधित जानकारी लेते हैं, उनमें क्वालिटी बढ़ाना है ना। अब जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है, वो सेम टू सेम हमेशा नहीं रहेगा, उसमें समय के हिसाब से बदलाव होता है, अपडेशन होता है, अपग्रेडेशन होता है ना। जैसे कि कोई आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो पहले के टाइम कीपैड वाले फ़ोन आते थे, जैसे जैसे अपडेट होने लगा तो फिर अभी टच स्क्रीन वाले फ़ोन्स आते हैं। उस वक्त के टाइम भी टच स्क्रीन के भी मोबाइल थे, उसमें भी अलग अलग प्रकार के वर्जनस आए, डिफरेंट डिफरेंट वर्जनस आए। समय के हिसाब से बदलाव होता है, तो वो कैसे होता है? वो कई प्रकार की चीज़ें हैं जिसमें कि डेवलपमेंट तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर चाहता क्या है ना। कस्टमर की जो डिमांड है उसके अंतर्गत ये लोग डिसीज़न लेते हैं, अपने प्रोडक्ट में फेरबदल करते हैं, चेंजेस करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं। तो वही सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ रही हैं। क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी बेहतर बनानी है, जितना अच्छा जितना बढ़िया बन जाए। कोई भी प्रोडक्ट देख लो, आपके घर में जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे शैम्पू खरीदते हो, शैम्पू की बॉटल्स हैं, तो शैम्पू पहले के टाइम डिफरेंट क्वालिटी थी, समय के हिसाब से उसमें अपग्रेडेशन कर दी गई, उसकी जो बॉटल्स थी वो भी डिफरेंट हो गई है ना, जो वाटर बॉटल्स थी उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए। जैसे जैसे समय के हिसाब से बदलाव होते जा रहा है, उनमें चीज़ों में काफ़ी कुछ इजाफा किया जा रहा है, कस्टमर को एक नई प्रकार की चीज़, जैसे कस्टमर को इंटरेस्ट बने, उसकी चीज़ को ख़रीदने के बाद उनको ऐसा फील हो कि रियलाइज़ हो कि हाँ उनका पैसा व्यर्थ नहीं गया है, तो ये चीज़ एक अच्छी क्वालिटी को दर्शा रहा है। जैसे कि कस्टमर को सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसने अच्छे तरह से सेटिस्फाई कर दोगे उतना बढ़िया रहेगा उनके लिए। इसके बाद है ट्रेनिंग से संबंधित भी जानकारी उनको दी जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे तो और डेवलपमेंट उनका बढ़िया होगा। जो ट्रैवल एजेंसी में एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनको समय समय के हिसाब से उन लोग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, महीनों के हिसाब से, महीनों में हफ्ते भर या 6 डेज या 7 डेज की ट्रेनिंग भी चलती रहती है डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ताकि उन लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे रेट्स फ्लक्चुएट करने हैं, कैसे कस्टमर से बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, उन लोगों को किस प्रकार से चीज़ों को समझाना है, तो वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आती हैं। इसके बाद लिखा है ट्रेड रिलेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनसे संबंधित उनका जो संबंध है वो मजबूत बनाना है ना। जैसे कि होटल से एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, जितना ज़्यादा क्लाइंट आएंगे ट्रैवल एजेंसी में उतनी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, उतने अच्छे रेट उनको होटल से मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप खुद भी सोचो कि कोई ट्रैवल एजेंसी का, चलो कोई नहीं, दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, आप किसी दुकान वाले के यहाँ से हमेशा सामान लेते हो, है ना, हमेशा मतलब आपकी आदत है कि आप किसी दूसरे दुकान वाले के पास नहीं जाते हो, किसी दूसरे शॉपकीपर के पास नहीं जाते हो, आप हमेशा उसी व्यक्ति से लेते हो जहाँ से पहले से बहुत सालों से लेते आ रहे हो, तो आपका एक ट्रस्ट बन जाता है ना। यही एक रिलेशन मेंटेन करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप तभी होता है जब आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा मौका दे रहे हो। आप उनसे एक ट्रस्ट तभी जनरेट कर सकते हो जब एक लंबा समय अवधि है, हमेशा एक लॉन्ग रिलेशनशिप आपने बिल्डअप कर लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डेवलपमेंट का एक प्रकार, एक तरह से कह सकते हो कि ये भी एक विकास कर सकता है किसी एजेंसी के बिजनेस में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी उनके अपडेशन पे निर्भर करता है, जिस प्रकार से वो अपडेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कस्टमर के फीडबैक के अनुसार। उनको अभी कभी लग रहा है कि कहीं पर्यटक घूमने गया था जर्मनी में, उनको ड्राइवर नहीं मिला, लेट हो गई 15 मिनट्स, पर्यटन स्थल पर सही से नहीं घूम पाए, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसको प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एक पैनल गठित होता है, एक डिपार्टमेंट होता है ट्रैवल एजेंसी में स्पेशली, जो कि कस्टमर के फीडबैक पर गौर करता है, उस पर रिसर्च करता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है पर्यटन स्थलों पर, पर्यटक अगर कंप्लेंट करते हैं तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कार्य है, प्रोडक्ट में जो भी खामियां हैं उसको सही करने का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो,
फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजिंग इट्स बजट, कॉरपोरेट प्रेस एंड पब्लिसिटी। अब देखो ये भी बात है, आपको पता होगा कि जो भी अकाउंटेंसी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, लेखा जोखा लिख रहे हैं, वो सभी फिनांस डिपार्टमेंट के, कॉमर्स साइड के जो स्टाफ होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वो पूरी की पूरी शीट्स बनाते हैं, बजट जो है उनका, कितना क्रेडिट हुआ कितना डेबिट हुआ, उनकी एक्सेल शीट बना के उस पर कार्य करते हैं। उस डिपार्टमेंट में भी एक मैनेजर होता है, फिनेंशियल मैनेजर होता है, और वो डायरेक्टली CEO से बात करता है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो लेन देन हो रहे हैं, पैसों से संबंधित लेन देन हो रहे हैं, उसमें भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग। तो इसके लिए इन्होंने ट्रैवल एजेंसी में डिपार्टमेंट स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं पैसे के लेन देन से संबंधित, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से संबंधित, ये सभी भी कार्य कर रहे हैं। तो ये चार पॉइंट्स जो थे, जैसा आपने देखा कि इसमें पहले वाले पॉइंट में लिखा है कि मार्केटिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अगर कोई ट्रैवल एजेंसी है, होटल के रेट पता करने हैं, अगर होटल ताज में जाना है वहाँ पे उनके रेट पता करेंगे, उनके कॉस्टिंग पता करेंगे कि कितने प्राइस रेंज पर वो कौन कौन सा रूम प्रोवाइड करते हैं, उसमें खाने की फैसिलिटी में क्या क्या मिलता है, उसका कॉस्टिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है। तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग से आती हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, बसेस से, जो ट्रांसपोर्टर है उससे, व्यक्ति से बात करते हैं जो बस प्रोवाइड कर सकता है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये सभी मार्केटिंग से आती हैं। तो एक डिपार्टमेंट होता है स्पेशली ट्रैवल एजेंसी में जो मार्केटिंग ही करता है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग में हो गया, रिसर्च भी करते हैं, कॉरपोरेट प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को अगर कोई लगता है कि कोई चीज़ खामियाँ हैं तो उसमें भी ट्रैवल पैकेज में इजाफा, चेंजेस किए जाते हैं, अपडेशन करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनको, क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके उस पर ध्यान दिया जाता है। और फिनांस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है जो पैसों से के लेन देन से संबंधित कार्य करता है। तो ये चार डिपार्टमेंट बहुत ही बहुमूल्य डिपार्टमेंट हैं जो NTO के 4 एरिया को दर्शा रहे हैं, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। NTO क्या है? नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, NTO, नेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है नेशनल टूरिज्म बॉडीज वर्क क्लोजली विद दी रीजनल टूरिस्ट बोर्ड्स। इससे क्या समझे कि जो टूरिज्म संबंधी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो सेवाएं दी जा रही हैं, ये रीजनल टूरिस्ट बोर्ड से लिंक करता है, ठीक है, हु इन टर्न वर्क क्लोजली टू लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि रीजनल ऑफिसेज होते हैं किसी ट्रैवल एजेंसी के, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑफिसेज सेवाएं दे रहे हैं। तो लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं इन लोगों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पर्यटन संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। टूरिस्ट को अगर पासपोर्ट है उनके पास, कोई उनको लैंग्वेज बैरियर है, अगर आप पेरिस जा रहे हो, कोई टूरिस्ट है उसको इंग्लिश बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में लोकल अथॉरिटीज़ की मदद ली जा रही है। अगर कोई जैपनीज़ है, कोई चाइनीज़ है पर्सन, उनको चाइनीज़ लैंग्वेज ही आ रही है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि नेशनल टूरिज्म बॉडी वर्क करती है क्लोजली विद द रीजनल टूरिस्ट बोर्ड, हु इन टर्न वर्क क्लोजली विद लोकल अथॉरिटी और काउंसिल एंड टूरिज्म प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव प्रोविजन एंड प्रमोशन ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटी एंड अट्रैक्शन इन दैट रीजन। हर अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर एक रीजनल टूरिस्ट बोर्ड के द्वारा एक ऑफिस होता है, वो सरकारी भी हो सकता है, वो प्राइवेट भी हो सकता है। वहाँ पर टूरिस्ट लोगों को सेवा प्रदान की जाती है,
वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज सर्विसेज दी जा रही हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन से संबंधित, उन पर गौर किया जाता है, पर्यटकों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये दर्शाया गया है कि एक नेशनल टूरिज़्म बॉडी जो होते हैं ये हर क्षेत्र में जितने भी रीजनल टूरिस्ट बोर्ड ऑफिसेज हैं इन लोगों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है, बातचीत रहती है इन लोगों की, जिससे कि हेड ऑफिस में हर प्रकार की जानकारी पहुंचती है कि कर्नाटका में पर्यटन स्थल में क्या हो रहा है, केरला में है तो केरला में टूरिस्ट स्पॉट पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने पर्यटक घूमने गए थे और कौन कौन से होटल में ज़्यादातर पर्यटक घूम रहे हैं। तो ये हर प्रकार की जानकारी पर्यटन मंत्रालय तक जाती है, यानी पर्यटन मंत्री के ऑफिस तक जा रही है ये जानकारी कि केरला में कहाँ कहाँ टूरिस्ट घूम रहे हैं, यह आप देख लो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पंजाब में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रीजनल टूरिस्ट बोर्ड के द्वारा हैंडल की जा रही हैं और उसकी जानकारी नेशनल टूरिज़्म बॉडी तक पहुँचाई जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों का मेल जोल बहुत अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए, तभी ये सारी जानकारी एक दूसरे से ऑफिस के द्वारा, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन लोगों में मेल जोल बना रहता है। अब यहाँ पे जो टॉपिक ये बताया गया है ये नॉट ओनली इंडिया, पूरे विश्व की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में है, यानी लंदन में भी ऐसी सेम रणनीति अपनाई जा रही है, वहाँ पे भी रीजनल टूरिस्ट बोर्ड हैं और नेशनल टूरिज़्म बॉडीज़ उनसे संगठित होकर कार्य कर रही हैं, जैसे कि पेरिस का एफिल टावर है तो वहाँ पर भी रीजनल टूरिस्ट बोर्ड ऑफिसेज हैं, टूरिस्ट लोगों की मदद करने के लिए बहुत से ऑफिसेज बनाए गए हैं, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉरेनर्स होते हैं, बहुत से फॉरेनर्स जाते हैं, यानी डेली की देखा जाए तो लाखों की संख्या में पर्यटक जा रहे हैं पेरिस में, तो उन लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए रीजनल टूरिस्ट बोर्ड्स उनकी मदद करते हैं पेरिस में, और उस जानकारी को साझा कर रहे हैं किनको, नेशनल टूरिज़्म बॉडीज़ को। ठीक है, जो हेड ऑफिस है वहाँ तक जानकारी जाती है। इसके बाद लिखा है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूरिज़्म इन रोम 1963 एडॉप्टेड द फॉलोइंग रिजोल्यूशन। अब ये देखो, ये एक संस्था है जो कि रोम में 1963 में कुछ रिजोल्यूशन लेकर आया गया था, और वो टॉपिक नीचे बताया गया है इसमें। इसका संस्था का नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ये जो संस्था है रोम में 1963 में टूरिज़्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, सेवाओं को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन संबंधी सुविधाओं को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए, पर्यटकों की जो प्रॉब्लम्स है एयरपोर्ट पर विमानों से संबंधित या होटल से संबंधित या कोई पर्यटन संबंधित डेस्टिनेशन है, किसी कोई पर्यटन स्थल है वहाँ पर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे संबंधित बहुत प्रकार के कॉन्फ्रेंस हुए हैं। ये एक इकलौता कॉन्फ्रेंस नहीं है, बहुत से कॉन्फ्रेंस हुए हैं, 18वीं शताब्दी में भी हुए हैं, 19वीं शताब्दी में भी हुए हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस कराई जाती रहती है, अभी भी होती है वो कॉन्फ्रेंस। तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो अभी के टाइम क्या हो गया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आपस में एक अच्छा बॉन्डिंग इन्होंने बना लिया है, जिससे कि कस्टमर को कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या है कि प्राइवेट वाले ऑर्गेनाइजेशन भी इससे मिल जाते हैं और साथ ही साथ सरकारी संस्था जितनी है वो भी आपस में मिलजुल कर कार्य करने लगे हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें क्या हुआ गया आखिर, तो इसमें बताया गया है जो रोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बताया गया है कि कॉन्फ्रेंस कंसीडर दैट इट इज़, अब ये देखो ये जो मेन है लाइंस इनको पढ़ो, गवर्नमेंट के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की टूरिस्ट एक्टिविटी की जाती है, उनके भिन्न भिन्न प्रकार के टास्क होते हैं, टू बी कैरीड आउट थ्रू द मीडियम ऑफ नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो भिन्न भिन्न प्रकार के टास्क होते हैं उनको इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में पूर्ण रूप से दिखाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ों को रोम में बताया गया और इस पर
गतिविधियों पर ध्यान दिया गया कि टूरिस्ट एक्टिविटी में किन किन प्रकार के चेंजेस करने चाहिए जिससे कि सुविधाएं और बेहतर बनाई जा सकें। ठीक है, तो इसके पहले ही आपको ही बताया है कि NTO क्या कार्य करता है। लिखा है, वर्चुअली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ नेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिज्म। इट कैन बी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री, कंस्टिट्यूटेड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन विद सेपरेट लीगल स्टेटस। हर कंट्री पूरे विश्व में नेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है पर्यटन संबंधी गतिविधियों को लेकर, और ये एक पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफिस का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर हमेशा ध्यान देती है और वो किसी भी सेक्टर से संबंधित जानकारी एकत्रित कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसी के क्षेत्र में, उसी के देश में किसी पर्यटन संबंधी गतिविधियों को किया जा रहा है, तो वो लीगल तौर पर गवर्नमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखती है और वो सबसे जानकारियां एकत्रित करते रहते हैं ताकि उनको हर प्रकार की जानकारी हो कि कितने पर्यटक उनके पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं और उनको लीगली किन किन चीज़ों पर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुन के निकाला जा रहा है और उनको पूर्ण रूप से सुविधाएँ सही तरह से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। ठीक है, Generally the role of NTO will be to ensure appropriate development and promotion of a nation as a tourism destination. Generally जो NTO यानी National Tourism Organization है वो ensure करते हैं कि विकास सही से हो, प्रमोशन अच्छा हो और टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो ख़राब हो रहे हैं, जो इमारतें ख़राब हो रही हैं पर्यटन स्थलों पे, जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, उसका कैसे निवारण निकाला जाए, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, वहाँ पे सुविधाएं कुछ, जैसे इंडिया के तौर पे देखा जाए तो पर्यटन स्थलों की बहुत ही, कई ऐसे पर्यटन स्थल जिनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है और उसको ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, तो उस पर भी पर्यटक जाना पसंद करते हैं लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है, टूरिस्ट लोग इतने ख़राब वातावरण वहाँ का माहौल कर देते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट विकास हो ही नहीं रहा है। उन कुछ पर्यटन स्थल ऐसे भी हैं, राजस्थान के भी कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे ज़्यादातर पर्यटक घूमना पसंद करते हैं लेकिन वहाँ की इमारतें भी ख़राब हो गई हैं, यानी कि राज किले जो हैं उनको भी सही से मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सभी नेशनल टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे राज किले हैं, राजशाही किले हैं, पुरानी संस्कृति हैं, रीति रिवाज हैं, उनसे संबंधित जानकारी जो है वो सभी एकत्रित करते हैं और वो देखते हैं कि क्या उस पर सही तरह से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या उस पर सॉल्यूशन उसका क्या है, आखिर उसको अगर हमें आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को उस चीज़ों को दिखाना है, उस संस्कृति को दिखाना है, रीति रिवाज को दिखाना है जो संरक्षण से संबंधित चीज़ें जो हैं हम लोगों ने म्यूज़ियम में भारत सरकार के द्वारा बहुत ही बहुमूल्य चीज़ें, बहुत बड़े बड़े पुराने शासक जो हुआ करते थे उन लोगों के और जो हथियार हैं उसको भी रखे हुए हैं, उनके कपड़े पहनावे जो होते थे उस वक्त के टाइम के, पुराने ज़माने के 18वीं 19वीं 17वीं शताब्दी के जो चीज़ें हुआ करती, जो सिक्के हुआ करते थे, वो भी आजकल कलेक्शन को के तौर पर रखे गए हैं लेकिन उनको अच्छे तरह से मेंटेन करने का भी कार्य जो है ये टूरिज़्म मिनिस्ट्री का है। तो ये सब भी डेवलपमेंट के तौर पर आता है। जो रोड हैं उस पर भी अच्छे तरह से कार्य होना चाहिए, जो बिल्डिंग्स हैं, जो होटल्स की बिल्डिंग हैं वो भी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, जो सुविधाएं गेस्ट को मिल रही है उसमें जो खाने पीने की सुविधा है, पॉस्चराइज चीज़ें हैं, नॉन पॉस्चराइज चीज़ें हैं वो सही हैं नहीं हैं, तो उस पर भी ध्यान अच्छे तरह से देना आवश्यक है। इसके बाद लिखा है, प्रोफेशनल बॉडी प्ले अ मेजर रोल इन टूरिज़्म, influencing industry-wide strategies and practices because they represent the industry. Obvious सी बात है, एक बार खुद भी सोचो आप कि जो भी professional bodies हैं, जैसे कि जो भी travel agencies हैं, वो बहुत ही major role play कर रही हैं tourism को बढ़ावा देने के लिए। travel agencies बना रही है सेवाएँ, packages बना रही है, उसको बेच रही है और ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की मीटिंग और कॉन्फ्रेंस करके स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो उनके लिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करें अपनी इंडस्ट्री को, टूरिज़्म इंडस्ट्री को। तो ये सभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी भी कोई भी एजेंसी है वो हमेशा अपना व्यापार अच्छा और बेहतर बनाना चाहेगी, इसलिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए,
कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे कि मेक माई ट्रिप है, yatra.com है, goibu.com है, ऐसे कितनी ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं। आप गूगल पे एक बार सर्च करोगे कितनी ढेर सारी ट्रैवल एजेंसीज की लिस्ट आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सभी टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सपोर्ट है। यही एक मेजर रोल प्ले कर रहा है टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए। इसके बाद लिखा है, दीज एसोसिएशन प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम ऑफ द मेंबर्स सच एज ट्रेनिंग, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। तो अब ये तो पता ही है आपको कि कोई भी ट्रैवल एजेंसी अपने प्रोडक्ट की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, एक रूल और रेगुलेशन बनाती है जिसके अंतर्गत वो सभी एम्प्लॉई कार्य करते हैं, एयरलाइन कमीशन और एनी अदर भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी सेवाएं दे रहे हैं उससे संबंधित जानकारी को बेहतर और सही बनाते हैं। एक ही बात बार बार सुन रहे हो आप, है ना, एक सेम बात ही इसके पहले वाले भी जो पैराग्राफ आए थे उसमें भी सेम चीज़ें ही बताई गई है कि ट्रेनिंग देते हैं, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है, एयरलाइन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाते हैं, फिर और भी डिफरेंट फैसिलिटीज़, वही सेम चीज़। मतलब कि आप ये समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के कार्य मोस्टली एक ही हैं, ठीक है, वो कोई डिफरेंट नहीं है। बस मेन चीज़ क्या है कि उसको आप समझना है, आपको एक बात कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। तो कन्फ्यूज़न संबंधी चीज़ों को यहाँ बता दिया गया कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के कार्य भले डिफरेंट होते हैं लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि पर्यटन संबंधी सर्विसेज को बेहतर और अच्छा बनाना है, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन लाइक आईटा, पाटा, आईटो, टाई, एस्टा विच आर क्वाइट एक्टिव इन द प्रमोशन ऑफ ट्रैवल ट्रेड ग्लोबली। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया था मैंने, अब इसका फुल फॉर्म आप ही बताओगे, है ना, आईटा क्या होता है, पाटा क्या होता है, आईटो क्या होता है, टाई क्या होता है, एस्टा क्या होता है। तो ये सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संगठन हैं, ये सभी टूरिज़्म संबंधी सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पर्यटन संबंधी सेक्टर को ये प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा हाईलाइट होगा पर्यटन स्थल, ठीक है। तो ये इसका भी ग्लोबली यानी पूरे विश्व में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों जैसा कि आप समझ सकते हो कि ये जो ग्लोबली तौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये नींव हैं किसी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो, एसेंशियली एवरी ट्रैवल कंपनी शुड बी अप्रूव्ड बाय दीज एसोसिएशन टू अवेल द फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव। अब ये जो संगठन है ऊपर बताए गए हैं, ये हर ट्रैवल एजेंसी को, ट्रैवल कंपनी को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है, उनके फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव को भी दर्शा रहा है। कमीशन उनके बनते हैं ट्रैवल एजेंसी के, क्योंकि वही मुनाफा होता है, कमीशन से ही हर ट्रैवल एजेंसी कमाई कर रही है। वो एयरलाइंस का कमाई हो सकता है, एयरलाइंस के पैकेजेस को सेल करके, फ्लाइट की टिकट को सेल करके वो कमाई कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी वाले, या होटल को सेल करके, होटल के रूम्स को सेल करके कर रहे हैं, या रेलवे संबंधित सुविधाओं, रेलवे की बुकिंग्स होती हैं उनसे संबंधित सुविधाओं दे के कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये आईटा, पाटा, आईटो, टाई, एस्टा के द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, और ये सभी ग्लोबली तौर पर इस एसोसिएशन से हर कंपनी मिली हुई है, ठीक है। उनका एक बॉन्ड है, जो एक बॉन्ड इन्होंने ग्लोबली तौर पर बनाया हुआ है, और इसी की मदद से पूरे विश्व में इनको जाना जाता है, ठीक है। अगर कोई जर्मनी का टूरिस्ट होगा उसको भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में कैसे जानकारी होगी, तो वो इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं उनसे जानकारी उनको मिलती है, उन्हीं की भाषा में, जर्मन लैंग्वेज में उनको जानकारी मिलती है। आईटा, पाटा, आईटो, इनके ऑल ओवर वर्ल्ड ब्रांचेस हैं, हर ट्रैवल एजेंसी से लिंक है इनका। तो इससे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पर्यटकों को जानकारी प्राप्त हो रही है और वो घूमने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। हम ओनली भारत की नहीं, पूरे विश्व की ग्लोबल तौर पर बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशनल बॉडी इज़ लिमिटेड बाय टू फैक्टर्स। जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनका लिमिटेड कंट्रीब्यूशन है,
उसमें पहली प्रॉब्लम आती है कि उन्हें फिनेंशियल रिसोर्सेज में दिक्कत आती है, पैसे संबंधित जो फंड हैं उसमें, टूरिज्म संबंधित उसमें इनिशिएटिव्स में उनको दिक्कत आती है। सेकंड ये बताया गया है कि जो रेयरली जो बॉडीज़ हैं, लिखा है सेकंड द बॉडीज़ रेयरली हैव द पावर टू इंसिस्ट दैट मेंबर अंडरटेक पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स। और जो बॉडीज़ हैं, जो पावर हैं, स्पेशली जो वर्क कर रही हैं उन पर भी बहुत ही वैरी करता है ये। ऑल ओवर जो वर्कआउट्स हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा किए जा रहे हैं ये बहुत ही लिमिटेड हैं, यानी इनको ज़्यादा प्रीफ्रेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बेस पर हैं, इसलिए सरकार के तौर पर जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअल में उसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लीड करने में दिक्कत आ रही है, परेशानियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये जो टॉपिक था इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया हम बताए जा रहे थे आप लोगों को, आई थिंक इसमें हमने ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर दिया है चीज़ों को। तो देख सकते हो आप कंपोनेंट ऑफ टूरिज़्म जो था इसको पहले तो सेक्टर के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जिनसे मिलकर इस टूरिज़्म संबंधित एक्टिविटीज़ का निर्माण होता है, टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ का निर्माण होता है। उसके बाद हमने फोर्थ सेक्टर से संबंधित बात की जिसमें कि NTO यानी नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन आया, नेशनल टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताया हमने। फिर उसके बाद उसमें कई प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़्म इन रोम 1963 में हुई थी, तो उस वक्त के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हुई हैं और किन किन चीज़ों पर चर्चा किया गया है, वार्तालाप किया गया है, और कौन कौन से संगठन हैं जो आज भी इस पर कार्य कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, आईटा हैं, पाटा हैं, आईटो है, एस्टा है, तो ये सभी इस प्रकार के आज भी संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं और इन गतिविधियों को पर नज़र रख रहे हैं, पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं, जिसमें एयरलाइन, होटल, रेलवेज़ एक्सेट्रा, भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ हैं। तो इस टॉपिक का मोटिव यही था कि पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको आज के दिन का सेशन समझ में आया होगा। बाकी अगर और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप हमें मैसेज में मैसेज कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।